गुड मॉर्निंग, बजाय सुबह का 7 और मौसम इतना ज़्यादा सुंदर हुआ है और आज हम जा रहे हैं नासिक। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो रही है क्योंकि सोम हमारे साथ नहीं जा रहा है। अब सोम क्यों नहीं जा रहा हमारे साथ, आप जाके देख के आइए इसको। तब तक मैं तैयार होके आती हूँ। तो सोम जा रहे हैं कल वाराणसी। इनका स्कूल का देयर इज सम डिबेट कॉम्पिटिशन इन विच ही इज पार्टिसिपेटिंग। तो जितना सिंसियर और अच्छा बच्चा है अपनी पढ़ाई के लिए और बाकी चीजों में, उतना ही ज्यादा रेस्टलेस है। पता नहीं क्या करके आता है, दिखा दो भाई। तो कल गया हुआ था ये खेलने के लिए एंड ही स्लिप देयर और वहां पे अपना इसने हाथ में लगवा लिया चोट। 6 स्टिचेस आए हैं। ड्रेसिंग हुई उस दिन हुआ है, अभी उसको हम ड्रेसिंग के लिए लेके जा रहे हैं। तो आई डोंट वॉन्ट टू सेंड हिम नाउ क्योंकि ट्रेन में ये लोग जा रहे हैं। बट डोंट टेक लोड, बी केयरफुल। इतना खून आया भाई मैं बता नहीं सकती। मैं तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझसे वो देखा नहीं जा रहा था। बट दिस बॉय ना, ही ट्रबल्स मी सो मच। देखियो इतना बोर हो गया अगले 5 दिन मेरे बिना। बहुत ज्यादा मेरा मन उदास हो रहा है। तू जा रहा है, दिस इज द फर्स्ट टाइम ही इज गोइंग लीविंग मी अलोन एट होम। और मेरा बर्थडे भी है उस टाइम में और ये मेरे बर्थडे पे नहीं होगा। देखा कितने मस्त कूल, वीडियो कॉल कर लेना। मम्मी बेचारी मतलब उदास हुए जा रही है। कल की सारी इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं उधर सर्वेश। जा रहे हम सोम का सामान देने के लिए स्कूल में और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे छोड़ के जा रहा है सोम। बाय भैया। बाय जा रहे हो, वो कंपटीशन के लिए होगा। बाय बाय। छोड़ दिया सोम को और सबसे अच्छी चीज तो ये थी भैया, गार्ड सारे मैम। बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत इज्जत देता है, ये सुन के बहुत अच्छा सा लगता है। पढ़ाई तो सब कर लेते हैं यार। आई थिंक इफ योर चाइल्ड हैज मॉरल वैल्यूज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। चलो तो सर्वेश, अब मैं और तुम ही बच्चे, अब तुम तैयार हो जाओ। तुम्हारा सिर मैं खाने वाली हूँ बहुत ज्यादा। अभी तो कॉफी मिलेगी भगवान, इसको भी चाय कॉफी का मैं क्या करूं। ही इज सो एक्साइटेड और इतनी एक्साइटमेंट अब मुझे पिलाने में हो गया। मुझे लगता है इतनी अच्छी लगती तो पी लो यार। बजा है अभी 8 और अब हमने अपनी जर्नी शुरू कर दी और गाड़ी में बैठते ही मुझे तो सोम की इतनी याद आ रही है। सोम आई मिस यू। खैर अभी निकलते हैं, हमें लगेगा कुछ 7 घंटे। गूगल मैप्स दिखा रहे हैं, अब डिपेंड करते हैं हम कितनी देर में पहुंचते हैं। रुकते खाते पीते। और दो चीजों के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक तो शिवा मंदिर जो है ज्योतिर्लिंग वहाँ पे, और दूसरा है सुलभ। अभी तो जर्नी शुरू ही की है, जस्ट सी ब्यूटीफुल कंट्री साइड और आगे मौसम, मतलब इतना मिस्टी बारिश, मजा ही आ रहा है ड्राइव में। 2 घंटे हो गए हमें चलते हुए और साथ साथ अब हमारी चल रही है स्नैकिंग। भूख क्योंकि लगनी शुरू हो गई है और आज मैं कुछ भी बना के नहीं लाई हूँ। बेटा नहीं है ना तुम्हारा आज। अच्छा बताओ जरा, मैंने पैक कर लिया था, मतलब सब्जी भी बना लिया था। आई जस्ट हैड टू मेक पराठास एंड चपाती। ही सेड नो, लीव इट, वी हैव आउटसाइड समवेयर। ये देखो काजू पे काजू चपेकने में लगे हुए हैं। मैं सोचूं यही खा लूं क्योंकि सर्वेश की उचित जगह तो आपको पता ही है, पिछले व्लॉग में देखो। देखो ये वही पिरामिड है जो लास्ट मंथ हम आए थे, एनडीए गए थे, तब एकदम सूखा था। नाउ इट्स ऑल ग्रीन। फाइनली 1 बजे सर्वेश को कोई उचित जगह मिली है। सर ऐसा क्या स्पेशल है इधर? तो जूस पार्लर। ओके, जूस, रिफ्रेशमेंट्स, मेंस पार्लर। कुछ रखा भी है मुंह पे लगाने के लिए। चलो यार कुछ खाते हैं चल के। खाना वड़ा पाव तो बहुत मिर्ची थी और थोड़ा ड्राई था, लेकिन डोसा एंड उत्तपम वाज गुड। कॉफी पी थी, कॉफी तो अच्छी थी लेकिन बहुत ज्यादा मीठी, मतलब गले में ऐसा हो गया अब तो मीठा मीठा। बारिश तो फिर से शुरू हो गई यार, इसीलिए आज हम ये चप्पल वप्पल पहन के आए हुए। अरे कहाँ जा रहे हो, स्पा तो करा लो अपना। लेडीज का नहीं, उसमें लिखा मेंस पार्लर। मेन गो देयर मेंस। बाय संजय जी, हम आएंगे बाद में, अगली बार वापसी में करवाएंगे। सो द वेस्टर्न घाट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड दे लुक सो सो ब्यूटीफुल। ये ड्राइव है ना बहुत ही ज्यादा मजेदार है मॉनसून के टाइम पे। ऐसा हेवनली ब्लिस टाइप फील हो रहा है ना यहाँ पे, मजा आ रहा है।
और हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं. सो वी आर स्टेइंग हियर एट मैरियट. चेक इन हो गया है, पहुंच गए हम और सेम बेसिक जो होता है हमारा रूम वही है. बट दे हैव दैट नाइस कॉर्नर देयर जो कि उसको देख के मुझे सॉम की बहुत याद आ रही है. वो होता तो सबसे पहले ही वुड हैव टेकन दिस कॉर्नर, अपना किंडल लेके यहाँ बैठ जाता आराम से. वो तो है नहीं, अब मैं इस जगह का पूरा यूज करती हूँ, आराम से यहाँ बैठती हूँ और फ्रेशन अप होते हैं. फिर सोचे जाके पूछा है कि क्या क्या कर सकते हैं अभी. ठीक है, जल्दी करते हैं. द क्विकेस्ट चेंज, आई मीन आई शुड हैव शोन यू गाइस टाइम, 2 मिनट, एग्जैक्ट 2 मिनट्स. कुछ भी नहीं किया, फटाफट से डेनिम पहना. नाउ वी आर गोइंग टू सी दोस केव्स. तो और वो बंद होती है 5 बजे, 4 बज चुका है. हम फटाफट से जाके देख के आएंगे, आज उसको कवर करते हैं. ये इतनी इतनी सारी ऊपर तक जाना है, अभी तो हमारा टिकट काउंटर भी नहीं आया. आई डोंट नो कहाँ तक हमें चल के जाना है. कैसा लग रहा है सवीर जी पांडव लेने? अच्छा, आज हमारा वर्कआउट हो जाएगा. अभी तो जोश है, आते वक्त देखा जगह जगह पे वी हैव दीज डिस्क्रिप्शंस जिसमें आप पढ़ के पता चल जाता है कौन सी केव किस लिए थी, किसने डोनेट किया. सो इट्स क्वाइट इन्फॉर्मेटिव. वैष्णो माता की चढ़ाई हो रही है आज तो. ऐसे डरना नहीं, बहुत ज्यादा स्टेयर्स नहीं है, थोड़ी है, जल्दी से आ जाएगा. हमने टिकट ले लिया. सो इट इज़ लाइक 25 रुपीज़ फॉर इंडियंस एंड 200 आई थिंक फॉर फॉरनर्स. अब बैठे हैं, 2 मिनट हवा खा रहे हैं, फिर हम विजिट करते हैं केव्स को. पूनम, तुम्हारे 450 लगे. क्यों भाई? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिएचर्स. इसको यहीं पे मैं केव्स में बंद करके जाती हूँ अभी. सो दीज आर केव नंबर्स विच आर रिटन देयर. नासिक सिटी का व्यू भी आपको मिल जाता है और कितना ओवरक्राउडेड है नासिक भी. मैं सोच रही थी बहुत छोटा है. पूनम, दिस इज द टिम्बर ट्रेल, जैसे गुलमर्ग में है ना ये वाला ना, ओनली फॉर लेडीज, छोटा है. अच्छा, अभी बैठो, आई विल जस्ट मैन ही वो करेगा. आप सीधे नीचे गोदावरी बेड पे देख रहे हो, ये मुझे यहाँ से नीचे फेंकना चाहता है. सोम तू नहीं है, नहीं तो मुझे बचा लेता. देख ले, इस पॉइंट पे हवा इतनी ज्यादा अच्छी आ रही है. ये भाई पहले आगे बैठ गया. खाना छोड़ दो यार, दे दो इसको. अरे सच्ची में खा रहे हैं तो लेके. अरे बिल्ली, ये तो मिक्स भी अच्छा खा रहा है. हम दोनों के स्टाइल से अच्छा खा रहे हैं. भुट्टा था तो बहुत ज्यादा टेस्टी, एकदम कच्चा. अब हम पी रहे हैं चाय और इतना इतना ज्यादा ही छोटा कप मिला हुआ है यार. हाउ टू होल्ड इट आई डोंट नो. इसका सॉस सर, ये तो चाय भी पीने आ गया भाई, पिला दो. अब छोटी सी यहाँ पे कुछ 3-4 शॉप्स हैं जहाँ आपको चाय भुट्टा कुछ ऐसा मिल जाता है, गोलगप्पा एंड ऑल. फर्स्ट पॉइंट करके अपना हम वापस आ गए. अब हम जा रहे हैं रूम पे और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर सोचते हैं कि शाम को क्या किया जाए. तो हम जा रहे हैं भाई अभी स्विमिंग के लिए और हम सोच रहे हैं उससे पहले थोड़ा सा जाके एक बार देख लेते हैं हाउ इज द जिम लाइक. अगर अच्छा हुआ तो थोड़ी देर कार्डियो सेक्शन में जाते हैं और कुछ कर लेते हैं. उसके बाद हम चलेंगे कॉलेज रोड, दोनों चलते हैं. पहले जिम चलते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर स्विमिंग कर लेंगे. अभी 6 बजे, 6:30 हुआ है, जल्दी से चलते हैं. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा था यार, इट वॉज रेनिंग ऑल्सो, द वॉटर वॉज वेरी वेरी कोल्ड. एंड अब जल्दी से शावर लेते हैं और उसके बाद बस हम निकलते हैं कॉलेज रोड के लिए और जाके करते हैं कुछ स्ट्रीट फूड एंजॉय. वैसे उससे पहले तो थोड़ा सा एप्रिसिएशन पोस्ट कर दो. दिस स्विमिंग कॉस्ट्यूम इज लाइक 20 ईयर्स ओल्ड एंड आई स्टिल फिट इन टू इट. सो ग्रेट अचीवमेंट है या नहीं है. अब हम जा रहे हैं कॉलेज रोड और ड्रिजल ड्रिजल हो रहा है. जस्ट होप ज्यादा तेज बारिश ना हो, कीचड़ कीचड़ हो जाएगा.
खानी थी जो कि बहुत टेस्टी बनाई हुई थी, एकदम गरम गरम रोटी शक्कर। अब ऐसे है तो वही गुड़ और शक्कर भरा हुआ रोटी में हमारे यहाँ पे सिंपल खाते घी लगा के। एंड देन साबू दाना वड़ा वॉज ऑल्सो वेरी गुड, बहुत फ्रेश एकदम क्रिस्पी बना हुआ था। अब हम जा रहे हैं आगे और दो तीन चीजें खाने के लिए, देखते हैं क्या और पसंद आता है। इधर मेन साइड में जा रहे हैं, आई थिंक दिस इज द बैक साइड जहाँ हम चले गए थे। We are done with our dinner, और dinner भी काफी अच्छा था। वैसे मजाली का मतलब क्या होता है? Just let me know, guys. We are back to room और बहुत बहुत ज्यादा नींद आ रही है। अब बस आज का दिन यहाँ खत्म करते हैं और आप सबसे सुबह मिलते हैं। Good night. गुड मॉर्निंग, बजा है सुबह का 9 और ये ऐसा नहीं है मैं अब भी सो के उठी हूँ, मैं उठी थी 5:30 बजे। आज सॉम का कंपटीशन है, उसको बाय बाय किया, बात हुई उससे, बाकी बातें करेंगे बाद में, फटाफट से पहले ब्रेकफास्ट करते, पता चले ब्रेकफास्ट बंद हो जाए 10:00 इज द क्लोजिंग टाइम। आई जस्ट रियलाइज इट्स लुकिंग सो गुड यार, पर ये कुछ कोलकाता जैसी लग रही है तो मुझे। Had a breakfast and now we are ready to go to vineyards. Which vineyards we'll go now we'll just check, because agar Sula Vines mein bahut zyada rush hua to we'll prefer going to York, because we've heard ki wahan ka view is very very good. I'm ready, Savesh is also ready, bus we are just moving. I think it will take 15-20 minutes wahan pahunchne mein, to chalte hain abhi. Cars ki halat aisi hui hai abhi monsoon season mein, sab aise mitti se bhari hui hai. Now we are on the outskirts of Nasik और ये हम जा रहे हैं विन्याज की तरफ, और ये तो बहुत ही प्यारा सा स्ट्रेच है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। We just crossed Sula Vineyards और यहाँ पे lines ही बहुत सारे, एक साधना करके है, साधना विलेज, which I think you get very good मिसल पाव वहाँ पे, लेकिन आज मैंने ब्रेकफास्ट में ही मिसल पाव खाया। और हाँ, ब्रेकफास्ट तो बहुत ज्यादा अच्छा था यार, आज मैंने जिंदगी में पहली बार अपने ब्रेकफास्ट में जलेबी खाई है। हालांकि इंदौर में भी बहुत लोग पोहा जलेबी खाते, बट अभी तक मैंने नहीं खाया है। टुडे वाज द फर्स्ट डे। सुंदर कलर किया हुआ है यार, ट्रीज को भी येलो एंड ग्रीन, सो इट्स ऑल लाइक नेचर नेचर एवरीवेयर। आई शुड हैव वॉर्न ग्रीन ड्रेस टुडे, वो सम येलो मैच विद नेचर। शिट यार, चलो सभी चेंज करके आते हैं। मेरे को छोड़ दो। हाँ। अब तुम गाड़ी लेके जाओ, चेंज करके आओ। तो बारिश भी शुरू हो गई, अब सारा ड्रिजल ड्रिजल हो रहा है। तो वी आर हियर एट यॉर्क, बहुत ही छोटू सा है ये तो, लेट्स सी हाउ इट गोस। यहाँ से हम आए हैं अभी एंड दिस इज देयर टेस्टिंग रूम। अभी सर्वेश यादव टेस्ट करने वाले हैं यहाँ पे सारी वाइन्स, और तो बाकी पता नहीं, बट द वेदर इज ब्यूटीफुल। लॉन्ग टाइम साउथ अफ्रीका में किया था। और यॉर्क वाइनरीज में हमने जो किया था, दिस गर्ल स्नेहल शी कंडक्टेड इट सो वेल, बहुत ही अच्छे से उन्होंने हमें समझाया सब कुछ, एंड वी वर द ओनली वन, सो और ही ज्यादा यू नो व्हाट एवर क्वेश्चंस वी हैड एंड वी हैड, इट वाज एक्चुअली वेरी इन्फॉर्मेटिव। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे, लंच अभी हमने किया नहीं बिकॉज वी वर नॉट हंग्री, ब्रेकफास्ट इतना करके तो आए हुए थे। सो नाउ वी आर गोइंग टू सूला विनियर्ड्स टू बाय सम सूला वाइन्स। सो नाउ वी आर इन सूला विनियर्ड्स, इसका जो एरिया है बहुत अच्छा है, सुंदर तो सूला विनियर्ड्स है, नो डाउट अबाउट इट। अब हमने दोनों देख लिया तो ज्यादा अच्छा, वी कैन टेल यू पीपल। हाँ लेकिन यहाँ रश बहुत है, देखो। ओ इट्स सच अ लाइवली प्लेस, बड़ी बड़ी विंडमिल्स लगी हुई हैं, एंड फोटोग्राफी के लिए आप बहुत सारे स्पॉट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। जहां तक नजर जाती है सनफ्लावर्स ही सनफ्लावर्स, एंड फॉर अ पर्सन लाइक मी जिसे बचपन से सनफ्लावर्स इतने पसंद है, इट वॉज अ क्रेजी मोमेंट फॉर मी।
दे हैव अ वाइन शॉप जहाँ से कि हमने थोड़ी शॉपिंग गिफ्ट शॉप से भी थोड़ी सी शॉपिंग की सॉम के लिए. देयर इज अ रेस्टोरेंट फॉर प्रॉपर डाइन इन एंड ऑल्सो अ रूफ टॉप कैफेटेरिया फॉर क्विक बाइट्स. Such an amazing view with soulful music and beautiful weather और गर्मा गर्म snacks, मजा ही आ गया. आ गए हम भाई वहां से घूम के. और जिन लोगों को डाउट है थोड़ा सा भी, जो हम पहले गए यॉर्क में और इसमें, मतलब सूला के आगे तो कोई कुछ है ही नहीं यार. Undoubtedly the best place to visit. इसको जरूर 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 जाना. It is so beautiful यार. इतना प्यारा बना हुआ है ना, इतना मन खुश हो गया अंदर जाते ही. Food was also very good. We had little snacks because you know we had heavy breakfast in the morning. But वो हमने try किए और बहुत ज़्यादा अच्छा है. अब हमारा मतलब we are regretting कि हमें यहाँ stay करना चाहिए था. Why did we stay there? क्योंकि बहुत ही सुंदर है. आपको आना है ज़रूर ज़रूर इसको देखने. तो back to our room. ये मुझे सच्ची बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा रहा आज का दिन. I don't know why people say that it's overhyped. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. In fact, we spent so much time there. Maybe because of the weather. इतना अच्छा मौसम हुआ हुआ था और वो व्यू इतना सुंदर लग रहा था, मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने का. खैर अभी बज गया 4:30, हम वापस आ गए हैं. एंड हमारा मेन अभी पॉइंट जो है ज्योतिर्लिंग, वो बचा हुआ है. बस अब वो अभी करते हैं या सुबह सुबह जाते वक्त निकलते वक्त करते हैं, ये वी हैव टू डिसाइड. अब पीते हैं हम सबसे पहले तो चाय. सवेश तुमको चाय या कॉफी? चाय. ओके. मुझे सोम की बहुत याद आ रही है. सोम, आई एम मिसिंग यू. तो अभी मजे से अपने रूम में थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, चाय पीते हैं और फिर चलते हैं कहीं और अच्छी जगह. वाह पूनम जी वाह, क्या चाय बनाई. तो भाई रेडी हो गए. हम कहाँ जा रहे हैं सर्वेश? घूमने. कहाँ घूमी घूमी? कॉलेज रोड. कॉलेज रोड चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं. आज हम सोच रहे हैं गाड़ी एक जगह पार्क करके पूरा रोड में आराम से सारी स्टॉल शॉप्स को एंजॉय करेंगे. और हमने सोचा है कि हम करेंगे ज्योतिर्लिंग कल सुबह. उसका एक बहुत अच्छा रीजन है, वो कल ही बताऊंगी, अभी नहीं बताने वाली हूँ. आज तो ठंडा सा हो रहा है इधर, अच्छा लग रहा है. आ गए हम फिर से अपने कॉलेज रोड पर. काफी ट्रैफिक लग रहा है आज तो यहाँ पे. हमने दो रोल्स ऑर्डर किए हैं, एक वेज एक नॉन वेज, और बनने में लगेगा कुछ 10 मिनट. यहाँ पे जल्दी है, क्विक है यार, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है 10 मिनट्स प्रिपरेशन टाइम एंड 20 मिनट्स इफ देयर इज रश. सो देयर इज नो वन एल्स हियर. सो कॉलेज रोड है, कोई कॉलेज नहीं है. कॉलेज मैंने आज बच्चे देखे हैं. दिस इज पनीर रोल्स. अच्छा तो लग रहा है, खा के देखते हैं. ये आ गया है सर्वेश का. मेरा तो काफी अच्छा है, अभी इनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है. अच्छा है. आई हैव टेकन दिस लच्छा पराठा. सो इट्स वेरी क्रिस्पी फ्रॉम आउटसाइड एंड वेरी सॉफ्ट एंड जूसी फ्रॉम इनसाइड. बहुत अच्छा लग रहा है. मजा आ गया इस बेकरी में. दिस इज 99 पैनकेक्स और बहुत अच्छा था यार. अमेजिंग वैरायटी दे हैव गॉट. और जो जो हमने खाया टेस्ट वाज ऑसम. आई फेल्ट लाइक ईटिंग द होल शॉप, बट पेट इतना भर चुका था सो आई कुड नॉट ट्राई मोर आइटम्स, बट इट वाज अमेजिंग. मुझे बेकरी वैसे भी बहुत अच्छी लगती है. बहुत टाइम के बाद मुझे एक अच्छी बेकरी यहाँ दिखी, क्योंकि इंदौर में मुझे कुछ नहीं मिल रहा था अभी. और मुझे सबसे अच्छी चीज ये लग रही है, यहाँ पे कहीं पे भी ज्यादा रश नहीं है. दो द मार्केट इज लाइक बहुत सारे आउटलेट्स है यहाँ पे, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा देर वेट करना पड़ रहा है. इट्स लाइक प्रीटी नाइस एंड पीपल आर चिल्ड आउट. किसी को ऐसा मतलब जल्दी नहीं लगे कि नहीं करो जल्दी जल्दी जल्दी, जैसे वो दिल्ली में है ना, एक भसड़ मची रहती है. दैट इज नॉट हियर. सो वी आर बैक टू आवर रूम. बहुत अच्छा था, अच्छा सा खाना खाया. आज का दिन वाज वेरी वेरी गुड. बहुत मजा आया आज हमें. इट वाज क्वाइट अ रिलैक्स्ड डे एंड आल्सो वी एक्सप्लोर्ड सूला वाइन्स. एंड हम सोच रहे हैं आज थोड़ा सा जल्दी टाइम से सो जाएं, इसीलिए हम आज जल्दी चले गए थे कॉलेज रोड, क्योंकि बहुत सुबह निकलने का प्लान कर रहे हैं. सोचा तो है कि
पांच बजे घर से निकल जाए एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड कल के लिए बहुत ज्यादा मुझे जल्दी से जाना है त्र्यंबकेश्वर। तो अभी मुझे फटाफट से सो जाने दो, कल सुबह मिलते हैं शिव बाबा के पास। सी यू। गुड मॉर्निंग, बजा सुबह का 5:30 और हम निकल चुके हैं यहाँ से त्र्यंबकेश्वर के लिए। अब सबसे पहले तो मुझे विश कर दो क्योंकि है आज मेरा बर्थडे और इसीलिए हमने सोचा कि आज चला जाए, कल जाना था हालांकि आज हमें वापस भी जाना है। तो वी आर जस्ट होपिंग कि आज जल्दी से हमारे दर्शन हो जाए। तो जस्ट प्रे करना सब लोग, वैसे तो जब तक व्लॉग आएगा ये हो चुका होगा, बट स्टिल सेंड योर गुड विशेस टू अस एंड निकले अभी आई थिंक हमें लगेगा 1.5 घंटा पहुंचने के लिए। तो चलो चलते हैं आज त्र्यंबकेश्वर और आप सबको भी दर्शन करा देते हैं। त्र्यंबकेश्वर पहुंच गए हम, बस 2-4 मिनट का रास्ता है यहाँ से। प्रसाद भी दिला दे चलो। त्र्यंबकेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और कहा जाता है यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर तीनों ब्रह्मा विष्णु और शिवा एक ही लिंग में विराजमान हैं। पूरा मंदिर काले पत्थर से बना हुआ है और हर हर भोले की पुकार सब जगह एकदम स्पिरिचुअल एनर्जीज इतनी हाई कर देती हैं। एक अलग ही तरह की फील आप वहाँ एक्सपीरियंस करेंगे। मौका मिले तो जरूर दर्शन के लिए जाइएगा। आज जैसे दर्शन तो कभी नहीं हुए, आज तो बाबा ने सच में बुलाया था मुझे। सो इट्स जस्ट 7:00, 6:00, 6:05 और 10 पे इनफैक्ट हम पहुंचे थे। थोड़ा प्रसाद विशाद लिया, 1 घंटा भी नहीं लगा और पूरा दर्शन अच्छे से हो गया, हम निकल भी गए। तो आज हमारे दर्शन बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हुए। कैसा लग रहा है सविश? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। आप भी कर दो जल्दी से मुझे बर्थडे विश। जल्दी आने का कुछ तो फायदा हुआ, सब कुछ एकदम खाली था, रोज भी मंदिर भी। तो अब हम चलते हैं वापस अपने होटल। कितना सुंदर हो रहा है, इट इज ऑल कवर्ड विद क्लाउड्स और वो बीच बीच में फॉल्स दिख रहे हैं छोटे 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 छोटे, कितने सारे हैं वो सारे वाइट वाइट फॉल्स। दिस इज ब्रह्मगिरी पर्वत, यहाँ से गोदावरी रिवर का ओरिजिन। वाओ, कितना भी ट्राई टू कैप्चर नेचर अच्छी तरह, लेकिन जितना वो एक्चुअल में ब्यूटीफुल होता है उतना तो कभी भी फोन कैमरास में नहीं लगता। तो इसको एक्सपीरियंस करने के लिए इट्स बेटर यू कम हियर एंड जस्ट विटनेस दिस ब्यूटीफुल व्यू। आई मीन इट्स हेवनली, आई कांट इवन एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। ऐसे दिल को बहुत ज्यादा अच्छा हो गया उसे देखते। 8 बजे और हम अपने रूम में वापस पहुंच चुके हैं। अब हम करेंगे आराम से अपना ब्रेकफास्ट और खाएंगे जलेबी। भाई आज मेरा बर्थडे है, लेकिन मुझे सोम की बहुत ज्यादा याद आ रही है यार। मतलब सोम इज लाइक 17 इयर्स ओल्ड, 17 साल में ये पहला बर्थडे विच लाइक आई एम सेलिब्रेटिंग विदाउट सोमिल। इतनी आदत हो गई है उसकी, बट बेस्ट थिंग इज सोम ऑल्सो गॉट बेस्ट इंटरजेक्टर का अपना उसमें प्राइज उसको मिल गया है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम ऑल्सो। बस एक दिन और वो भी आ जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम आज पार्टी नहीं करेंगे, कल सोमिल आ जाएगा और कल हम करेंगे अपने बर्थडे पार्टी। भाई ब्रेकफास्ट भी हो गया, थोड़ा सा सो जाते हैं यार। आज हम दोनों पूरी रात नहीं सोए क्योंकि किसी को नींद नहीं आ रही थी, इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी जाने के त्र्यंबकेश्वर। तो अब 1.5 घंटा सो लेते हैं क्योंकि काफी लंबी फिर से ड्राइव हो जाएगी, उसके बाद चलते हैं। चेक आउट हो गया और अब हमने शुरू कर दी अपनी जर्नी वापस इंदौर के लिए। हमें लगेगा फिर से वही 7 घंटे, शुरू करते हैं हम अब। बस ऐसा ही सुंदर निकालना भैया, अभी इतना खा लो ना भैया, बस मैं नहीं खा सकता। आप खा लेना भैया। नहीं वो खा लो, मैं निकाल देता। अच्छा खा नहीं पाएंगे ना भैया इतना, इसमें डाल दो। चलो अब चलते चलते खा लेना बस। ठीक है, शुक्रिया भैया। तो लास्ट टाइम हम यहाँ से फ्रूट्स लेके गए थे, बहुत ज्यादा अच्छे निकले थे। आई जस्ट गो एंड चेक गुआवास आल्सो। 3-4 ये पका हुआ दे दो और बाकी कच्चा दे दो, छोटा छोटा दोनों का दे दो, एक ये और एक ये। ऐसा बाहर रखने से खराब तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, तो बरस 10 बरस रहता है। 10 बरस ऐसा 6 महीना। चलो थैंक यू।
सो एवरी टाइम दीज रोड साइड वाला ना, दे कीप वेरी फ्रेश फ्रूट्स, और नासिक पुणे की सबसे अच्छी बात है, इनफैक्ट होल महाराष्ट्र अब फ्रूट्स जो है वो इतने अच्छे मिलते हैं ना, आई रियली एनवी दोस पीपल। इंदौर ये दिखा रहा है अभी यहाँ से हमें 354 किलोमीटर्स। आज तो सर्वेश के अंदर का व्लॉगर निकल चुका है, बताइए सर। हाय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मेरे को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, गाइस फ्रेंड्स देखिए कैसे नजारे हैं यार, ऐसे नजारे आपको देखने हैं तो गाइस प्लीज लॉग इन करिए, लेकिन गाइस साथ साथ रोड पे ध्यान भी दीजिएगा। दिख रहा है आजकल यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा देख रहे हो। सॉम भी अपनी ट्रेन वहाँ से बोर्ड कर चुका है और अब हम भी अपने घर पहुँचने वाले हैं। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस व्लॉग। गाइज नहीं, गाइज भाई, इसकी गाइज आज नहीं, मुझे पका रहा है बहुत ज्यादा। हमारे व्लॉग में बाय तो कर दो। सी यू गाइज अगेन सून।